दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर एग्रीकल्चर में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो क्लास चल रही है रेगुलर फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्लास चल रही है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्लास यहाँ पे रेगुलर चल रही है। तो दोस्तों एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि मुझे पीडीएफ कब मिलेगी, उनको मैं बता दूं कि जब एक प्रत्येक फूड सेफ्टी ऑफिसर के वीडियो पर जब 250 व्यू तक आ जाएंगे तब आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। तो दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं यानी एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, कल मैंने आपको इसी टॉपिक के बारे में बताया था कि हम वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। तो वायरस दोस्तों, जब ये वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो अगला जो आपके टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका फूड पे क्या असर हो रहा है उसके बारे में हम बात करने वाला है। ये मोस्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों। मोस्ट क्यों रहेगा उसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो फूड एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम है उसमें पूरा ये टॉपिक थोड़ा लेंथी दिया हुआ है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के बारे में। वायरस के बारे में मैं आपको पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये वायरस जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है और वो प्रोटीन से ढका होता है। मान लो एक न्यूक्लिक अणु है, दोस्तों ध्यान देना, एक न्यूक्लिक अणु है उसपे यदि प्रोटीन की लेयर हो तो हम इसे क्या बोल देंगे, वायरस बोल देंगे, वायरस बोल दिया जाएगा। एक चीज दोस्तों, वायरस शब्द लेटिन भाषा का है। दोस्तों अच्छे से ध्यान करना कि वायरस शब्द लेटिन, आपको इस टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों वायरस शब्द किस भाषा का है, आपको पूछे कि वायरस शब्द किस भाषा का है, तो दोस्तों वायरस शब्द लेटिन भाषा का है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको एक बार मैं रख कर देता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं वायरस के जो प्रोटीन है उन्हें क्या कहा जाएगा, यानी कि जो वायरस के ऊपर प्रोटीन पाया जाता है, वायरस के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, यानी प्रोटीन क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि वायरस के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन को कैप्सिड कहा जाता है। वायरस के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन को कैप्सिड कहा जाता है। ये चीज RSMSB के द्वारा पूछी हुई है, इसलिए मैं आपके लिए दोस्तों मोस्ट लेके आया हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों एक चीज, क्या जो वायरस है, पहले मैं आपको वायरस की डिटेल दे देता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि एड्स, जो एड्स का जीवाणु है, विषाणु है उसके अंदर, जो HIV है उसके अंदर कौन सा DNA पाया जाता है, क्या DNA उसके अंदर सिंगल होता है, और RNA और DNA की दोनों की हम बात करेंगे क्योंकि दोनों पाए जाते हैं, तो डबल है या सिंगल है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं एक चीज बता दूं दोस्तों वायरस के बारे में। तो वायरस की चर्चा मैंने यहाँ पे आपसे बताया कि वायरस है जो प्रोटीन से ढका होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो प्रोटीन से ढका होता है, और वायरस दोस्तों एसेलुलर होता है। वायरस की हम यहां पूरी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, अब ध्यान से चलना दोस्तों। आगे ए नंबर हमें बोल दूं कि ये एसेलुलर होता है। एक चीज दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना कि वायरस जीवित है या मृत है। मैंने बैक्टीरिया के बारे में आपको बताया था, पर आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर छोड़िएगा कि वायरस जीवित होते हैं या मृत होते हैं। आगे चर्चा करता हूं दोस्तों। वायरस के बारे में मैंने अब तक आपको बताया कि वायरस एसेलुलर होते हैं, वायरस जो है वो न्यूक्लिक अम्ल है, वो न्यूक्लिक है, उसके ऊपर प्रोटीन की लेयर चढ़ी होती है, प्रोटीन की परत चढ़ी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो इनमें DNA पाया जाता है और RNA पाया जाता है तो वो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड यानी एकल कुंडलित, हिंदी की दोस्तों मैं बात करूं तो जो DNA और RNA है वायरस के अंदर एकल कुंडलित और द्वि कुंडलित दोनों पाए जाते हैं।
आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। यानी मैं इसको लिख दूं इंग्लिश में, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड दोनों पाए जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों इस चीज को, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों यहां पे पाए जा रहे हैं। आगे हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि एड्स के विषाणु में, ये तो चर्चा थी वायरस की, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एड्स के विषाणु में कौन सा डीएनए आरएनए दोनों में से कौन सा पाया जाता है। एड्स के दोस्तों ये जो टॉपिक है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यूनिट सेकंड यहाँ पे पूरी लेके चल रहे हैं। एक चीज अच्छे से ध्यान करना दोस्तों, जो यूनिट सेकंड है उसके हमने तीन पॉइंट अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो पॉइंट होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इन फूड, मतलब फूड के अकॉर्डिंग फूड में कौन कौन से फायदेमंद है, कौन से बेकरी प्रोडक्ट में काम आते हैं, वो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा मोस्ट रहने वाला है। पर एक चीज आप ये मत सोचना कि वायरस से हमें पर्सन नहीं पूछेगा दोस्तों, वायरस से एफएसओ के अंदर बहुत मोस्ट 5 या 6% पूछे जाएंगे दोस्तों। एड्स के विषाणु की यदि मैं बात करूं, यहाँ पे टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों, एड्स के विषाणु की यदि मैं बात करूं तो एड्स का जो विषाणु है दोस्तों वो इसमें क्या पाया जाता है, पहले तो आप बताइए कि इसके अंदर, मैं बताता हूं दोस्तों आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। एक चीज, ये जो आरएनए और डीएनए एड्स के विषाणु में पाए जाते हैं तो दोस्तों आप मुझे बताइए क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं या डबल स्टैंडर्ड। उनकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एक कुंडलित डीएनए और आरएनए एड्स के विषाणु में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो एक जनरल तो नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों ये पूरा टॉपिक, आज का टॉपिक जो है पूरा वायरस पे टिका हुआ है। मैं वायरोइड भी आपको समझाऊंगा कि वायरोइड क्या होता है। एक चीज 2-3% भी आपके लिए लेके आया हूं, पहले मैं आपको थोड़ा वायरोइड के बारे में बता दूं। तो दोस्तों वायरोइड से रूबरू होने के लिए मैं यहाँ पे वायरोइड नाम लेके आगे पूरा समझाने वाला हूं। वायरोइड में क्या अनुपस्थित होता है उसकी मैं चर्चा यहाँ पे करने वाला हूं। तो दोस्तों कैप्सोमियर की अनुपस्थिति जब वायरस में हो जाती है तो इसे वायरस कहा जाता है। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब प्रोटीन की अनुपस्थिति हो जाए या कैप्सोमियर की अनुपस्थिति हो जाए तो इसे हम वायरोइड कहेंगे। इसमें एक चीज और भी लिख सकते हैं, प्रोटीन की कमी, दोस्तों प्रोटीन की कमी इसे हम बोल सकते हैं या इसमें अनुपस्थिति हम बोल सकते हैं कि इसकी अनुपस्थिति हो जाए तब वायरोइड हम इसे कह सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि जब वायरस के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, तो उसमें ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसी पे आपको टिक करना है कि इसे वायरोइड कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, आगे एक चीज आती है कि वायरस के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो दोस्तों हम जनरल एक चीज कर रहे हैं, ये जो साइड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनकी भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। अब आता है अपना टॉपिक कि वायरस के बारे में सबसे पहले किसने बताया। यहाँ पे वायरस को खोजा नहीं गया था, यहाँ पे जनरली नॉर्मली एक बताया गया था कि वायरस होता है, वायरस कोई वस्तु या चीज होती है। मैं दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं क्या वायरस जीवित है या मृत है। आगे चलते हैं, वायरस के बारे में ये कहा गया कि लुईस पाश्चर ने सबसे पहले वायरस के बारे में दोस्तों बताया था। आगे चलते हैं दोस्तों, वायरस के बारे में सबसे पहले लुईस पाश्चर ने बताया और ये शब्द किसने दिया, वायरस यहां पे मैं लिख देता हूं बताया, पूरा आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सके आसानी से। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों लुईस, खोज की भी चर्चा करेंगे, लुईस पाश्चर, और ये शब्द किसने दिया वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं।
पहले मैंने आपको जनरल वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसकी डिफिनेशन के बारे में मैंने बात की। हम वायरस के शब्द की दोस्तों यदि बात करें तो यह शब्द दिया था बिंजेरिक ने। इसे बेंजेरिक भी बोला जाता है, यह थोड़ा आप ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि इसे बेंजेरिक भी बोला जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों वायरस की, क्या वायरस बैक्टीरिया से बड़ा होता है इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्या वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। तो प्लीज दोस्तों आप ये भी मुझे कमेंट करके बताइए कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है या बड़ा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, वायरस शब्द की मैंने बात की आपको कि ये जो शब्द था बिंजेरिक ने दिया था। आगे चलते हैं कि वायरस की साइज क्या होती है, आप साइज से वैसे अंदाजा लगा सकते हो 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक इसकी साइज होती है। और दोस्तों कोष्ठक में लिख देता हूं कि एक नैनोमीटर बराबर 10^-9 नैनोमीटर, यानी कि दोस्तों 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक इसकी साइज होती है। आगे चलते हैं कि मैंने इसमें साइज सब और ये सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया उसकी हमने चर्चा की। अब आपसे पूछे कि वायरस को सर्वप्रथम किसने खोजा, तो दोस्तों वायरस को सर्वप्रथम खोजा एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था इवानोस्की ने सबसे पहले टोबेको मोजेक वायरस यानी तंबाकू के अंदर इवानोस्की ने, इनका पूरा नाम दोस्तों डिमिट्री इवानोस्की कहा जाता है, और इन्होंने तंबाकू मोजेक वायरस में सर्वप्रथम वायरस को खोजा था, यानी तंबाकू के पौधे में इसे खोजा था। दोस्तों यहां पे मैं लिख देता हूं वापस, आप लास्ट में आसानी से स्क्रीनशॉट ले सके, वैसे इसकी आपको पीडीएफ मिलने वाली है दोस्तों थोड़े दिनों में, जब मैंने आपको बताया था कि 250 भी होने पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, वायरस के बारे में मैंने जनरल आपको बताया कि जब प्रोटीन की अनुपस्थिति हो जाए, कमी हो जाए, और जब कैप्सोमियर की बिल्कुल अनुपस्थिति हो जाए तो हम इसे वायरोइड या वायरोइड कह देते हैं। अब इसको मैं रब कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइज और खोजा, सॉरी दोस्तों इवानोस्की ने, एक बार मैं वापस लिख देता हूं ताकि आप आसानी से ये टीएमवी का आप थोड़ा ध्यान रखना, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से दोस्तों, फिर हम वायरोइड की चर्चा यहां पे करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वायरस शब्द भी मैंने आपको बताया किस भाषा का है, वायरस एक चीज बता दूं दोस्तों, वायरस अपना प्रवेश किसमें कराता है, मानव शरीर या किसी भी जीवित वस्तु में कराकर ही अपना गुणन कर सकता है। मतलब यदि वायरस को गुणन करना है दोस्तों, तो सीधी सी बात है वायरस को गुणन करने के लिए सजीव शरीर की जरूर आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं कि वायरोइड किसने खोजा, वायरोइड की हम यहां चर्चा करेंगे। अब वायरोइड के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोटीन की अनुपस्थिति, किसकी अनुपस्थिति, प्रोटीन की अनुपस्थिति, खोजा किसने, टीओ डाइनर वैसे इन्हें कहा जाता है, वैसे आप देखोगे तो डिनर भी आपको लगेगा पर आपको डाइनर बोलना है, और 1971 में इसे खोजा गया था दोस्तों। वायरोइड प्रोटीन की अनुपस्थिति या कैप्सोमियर की अनुपस्थिति हो जाए तो इन्हें वायरोइड कहा जाता है, और टीओ डाइनर ने इन्हें खोजा था। अब एक चीज आती है दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपके लिए 2 पर्सन लेके आऊंगा या 2-3 पर्सन आपके लिए लेके आया हूं, तो उनको आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहता हूं, यानी कि मैं बात करूं मर्त
ये पर्सन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों लास्ट में। मर्तवे सजीवों के मध्य की कड़ी को क्या कहा जाता है? सजीवों के मध्य की कड़ी क्या कहलाती है? तो दोस्तों मर्तवे सजीव के मध्य की कड़ी को वायरस कहा जाता है। ये भी एक मोस्ट पर्सन है, इसलिए आप ये पर्सन नहीं पूछा हुआ, ये अगला जो पर्सन लिख रहा हूं आरआरबी जेई के द्वारा पूछा हुआ पर्सन है। पौधों वे जानवरों के मध्य की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधों में जानवरों के मध्य की कड़ी को युग्लिना कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है इसका, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों मर्तवे सजीवों के मध्य की कड़ी को वायरस कहा जाता है। आगे मैंने बताया आपको पौधों में जानवरों के मध्य की कड़ी को क्या कहेंगे दोस्तों? युग्लिना यहाँ पे कहेंगे। आगे चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट बिंदु में बात करता हूं दोस्तों। ओके दोस्तों, वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं उसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा दोस्तों, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त रिश्तेदारों के पास इसे शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।